अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है, दो दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको आप खुलासा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा वीडियो मैं अपने सहयोगियों को, अमरीश, मैं सहयोगियों को आग्रह करूंगा कि एक बार आपको वीडियो दिखा दें। उसका सबूत यह है कि मैं फ्लोरिन नेक्स्ट डे 7 बजे मेरे पास आए राय हुआ, उन्होंने कहा कैंसिल कर दिया, तो मैंने कही हाँ, कहीं चिट्ठी चली गई, मैं पता करता हूँ, मैंने फिर सेक्रेटरी से पूछा उसकी चिट्ठी चली गई क्या, उन्होंने कहा कहीं चली गई थी, तो बड़े अपसेट हुए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, तो भाई इन्वेस्टमेंट आया ना, मैं गलत काम नहीं करूंगा, इसमें खराबी ये है, एक तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देना पड़ेगा और दूसरी जो इसमें अस्पताल सर्विस किए हैं 4-5 ये बिल्कुल थर्ड ग्रेड अस्पताल है, मतलब इस लायक नहीं है कि उनको पैसा दें। सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक, एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं, आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं, इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी, तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है, क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं है, दो दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है, और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे, आपको अपना एक विश्वासपात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो, तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें, कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है, दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले दो दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया, आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं, जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो, नहीं तो आजकल तो
कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं है, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए, क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा खफा, ये तो सबको दिख रहा है, नहीं तो एक पीएसओ, और वो दो बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृहमंत्री को कि मुझे जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए, कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम, गुलाम नबी आजाद, और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते, नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी जेड प्लस दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया, हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है, कौन इस बात से डरा हुआ है, कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं, आप खुद पंजीकृत नहीं हैं, और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है, कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं, या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, ये बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां, 300 करोड़ 200 करोड़ क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस प्रेस इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करें, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है, और अगर इस चुनौती पर यह चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जा रहा है।